बट व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवलीस्ट एंड डियरेस्ट पीपल आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ले। और आज करने वाले हम केमिस्ट्री की शुरुआत। बहुत टाइम से बहुत लोगों ने बोला भैया केमिस्ट्री भी लाओ, क्योंकि फिजिक्स के दो चैप्टर हो चुके हैं, अब केमिस्ट्री की बारी है। तो आज हम करने वाले केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि पिछले साल डिलीट हो चुका था, बट इस साल वो है अभी तक, ठीक है। तो जो चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बिल्कुल ऐसा क्यूटी पाई चैप्टर है। उसको हम बहुत ही प्यार से कहानी बना बना के सुनेंगे, कहानी बना बना के पढ़ेंगे। और हमेशा की तरह ये चैनल के ऊपर, अगर तुम अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके तुम नए हो तो तुमको पता नहीं किस चैनल के ऊपर क्या क्या मस्ती होती है। इस चैनल के ऊपर होता है सब कुछ, क्या होता है, लेक्चर वेक्चर नहीं देते भाई हम यहाँ पे, हम लेक्चर वेक्चर नहीं देते, हम यहाँ पे बातें करते हैं, ठीक है, बतियाते हैं, गप्पे मारते हैं, और उस बातों बातों में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चैप्टर जो कंप्लीट है, जो समझ में आ रहा है, वो बाय प्रोडक्ट और मेन टारगेट क्या है, बातें करना, इंटरेक्ट करना, ताकि तुमको ऐसा फील आए। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर हमने दो महीने पहले भी कोई लेक्चर देखा हो तो तुम भूल जाते हो, ठीक है, तुमको वर्ड टू वर्ड कभी नहीं आता, पर दो साल पहले जो तुम्हारे दोस्त ने तुमको अपने दुखड़े सुनाए थे, सुख दुख की तुमने बातें की थी, तुमको वर्ड टू वर्ड याद रहते कि उसने ये बोला था, यहां पे बोला था, स्कूल के स्टेयर से नीचे आते आते इसने मुझे ऐसा बोला और मैंने उसको ये, तो वर्ड टू वर्ड याद रहता है, लेक्चर तुमसे याद होते नहीं है। तो लेक्चर क्यों नहीं याद होता है, ठीक है, लेक्चर इसलिए याद नहीं होता क्योंकि लेक्चर होता है और ये कॉन्वर्सेशन हम बातें करने वाले। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बहुत मजा आने वाला, वीडियो को एंड तक देखते रहना, और बीच बीच में से थोड़ी रेडियो वाली फील भी देने की कोशिश करूंगा मैं। हैंड रिटन डिटेल लाइट्स, ये हमेशा हमेशा भाई से मेरी टंग स्लिप हो जाती है यार। वैसे मैं बहुत अच्छे से बोल लेता हूं सब कुछ, बट ये डिजिटलाइज्ड हैंड रिटन डिजिटलाइज्ड बोलने में दिक्कत आती है, हर वीडियो में ऐसा होता है। तो कोई बात नहीं, हम इसको डिजिटलाइज्ड ओपी कर देता था। हैंड रिटन डिजिटलाइज्ड नोट्स तुमको देखने को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अच्छा, जिस भी चैप्टर के नोट्स अवेलेबल नहीं है, उस चैप्टर के नोट्स बाय द एंड ऑफ दिस वीक अवेलेबल हो जाएंगे, तो वी आर वर्किंग ऑन इट। तो मेक श्योर कि तुम थोड़ी आराम से चलना, तो सब कुछ ठीक है। अगर तुम लोग अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया @parle.in को तो फॉलो कर लो जाकर, और अगर तुमने मुझे भी फॉलो नहीं किया @kaunprane तो जाके कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसे फोटोज वगैरह डालता रहता हूँ, कुछ स्टोरी डालता रहता हूँ, तो कुछ ऐसा अच्छी अच्छी बातें करते रहते। तो मेक श्योर कि तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, साथ में parle.in को भी कर लो, ठीक है। पर तुमको पता है मटेरियल कहाँ मिलेगा, parle.in के ऊपर, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई, अभी तक जो हमने क्लासेस किया, अगर तुम लोगों ने अभी तक एक भी क्लास अटेंड नहीं किया, तो सारी क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर क्या होता है, चैनल के ऊपर ये होता है कि हम वीक में करते हैं दो वीडियोस, ठीक है। दो वीडियोस में क्या होता है, एक होता है साइंस का, एक होता है सोशल का, ठीक है। अब जो साइंस और सोशल का जो वीडियो है, उसका हम रिविजन और उसको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मैं तुमको क्या बोलता हूं कि भाई किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि पहले तो तुम एक अच्छा सा लेक्चर देख लो, लेक्चर नहीं मतलब अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम कॉन्वर्सेशन देख लो, ठीक है। उसके बाद में तुम एनसीईआरटी रीड कर लो, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और बैक क्वेश्चन कर लो, ये सब तो तुम्हारे पास में है। और उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो बहुत ही फैंसी और फेमस क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, बहुत जनरली पूछे जाते हैं, वो कर लो। अब ये जो जनरली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसका तुम्हारे पास एक्सेस नहीं कि भाई इसको कहां से ढूंढे, तो वो क्लास मैं लेता हूं लाइव, ठीक है। वो क्लास होती है लाइव हर सैटरडे को, ठीक है। तो जैसे इस सैटरडे पे लाइव कौन से वाले मैटर, ये जो चैप्टर है इसकी, प्लस सोशलिज्म इन यूरोप, मतलब कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसी वीक में, यानी कि फ्राइडे तक जो वीडियो आएगा वो होगा सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, तो वो चैप्टर होने वाला है। तो मेक श्योर कि तुम उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहो। तो इसका रिवीजन और इसके जो पोल, बहुत ही मजा आता भाई, बहुत मस्ती करते करते हम सारे पोल करते हैं और बहुत चिल करते हैं उसके अंदर। तो एक घंटे का लाइव सेशन होगा, तुमको बिल्कुल ऐसे फील आएगी कि तुम किसी गेमिंग लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, क्योंकि हम बिल्कुल मस्ती मजाक में करते, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। इसमें ज्वाइन होना, तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तुम उस लिंक को क्लिक करना और अभी से एनरोल करके बैठ जाना है। अभी इस वीडियो को पॉज करो, जाके एनरोल करके वापस आओ। एनरोल करने के लिए अगर तुमसे कोई कोड मांगता है तो यूज दिस कोड PC001, इस कोड से तुम फ्री में इस क्लास में एनरोल कर पाओगे, ताकि तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे भी कैडल कि कितने लोग आ रहे हैं। देखिए शादी करते हैं हम, तो शादी से पहले हमको पता होना चाहिए ना कि कितने लोग आ रहे हैं, किसी भी पार्टी में कितने लोग आ रहे हैं, तो वैसे ही एक आइडिया लग जाएगा मुझे, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट स्टिल। और संडे के दिन, अब देखो हमने पूरा वीक कर लिया, या हमने क्या कर लिया, साइंस कर लिया, सोशल कर लिया, अब भैया मैथ्स का क्या? तो मैथ्स जो है वो लाइव करने में मजा आता है यार। मैथ्स ऐसा ना रिकॉर्डेड में भी आ जाता है, बट लाइव में वो फील आती है कि भैया तुम लिख रहे हो और लिखते जा रहे हो। तो मैथ्स जो होता है हर संडे को होता है, तो अभी तक जो मैथ्स के लेक्चर हो चुके हैं उसमें देखो पावर पैक्ड सेशन है, वो मतलब एक से डेढ़ घंटे में दो दो चैप्टर कंप्लीट किए। मेरा टारगेट ये कि भाई मैथ्स हम ऐसा उठाएं दो दो चैप्टर एक बार में करें। बट इस वीक जो है, क्योंकि इस वीक का जो एंड होने, मतलब ये जो वीक का एंड है, मतलब ये हमारा एंड वाला वीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक ही चैप्टर करते हैं नंबर सिस्टम में, इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुछ टेस्ट वगैरह आने वाले, यूनिट टेस्ट आने वाले, जिसके अंदर ये चैप्टर होगा, तो नंबर सिस्टम में सिर्फ उसी लिए करवाना वाला हूं। एक घंटे का बहुत चिल सा सेशन होगा, तो मेक श्योर कि सैटरडे और संडे दोनों सेशंस में तुम आओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना, यहां पर ऑप्शन आएगा और PC001 कोड यूज कर लेना। लेट्स बिगिन मैटर इन योर सराउंडिंग्स। बहुत सिंपल चैप्टर, देखो मैटर 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 शांति। मैटर क्या है? मैटर भाई वो नहीं कि भाई मैटर हो गए हैं, जब हमारे भाई तुमको बताया, चलो मैं तुमको कहने, हमारे स्कूल में क्या होता था, बहुत फेमस है ये वर्ड मैटर। मैटर मतलब कि कुछ भी लड़ाई झगड़ा होगा तो बोलते थे भाई मैटर हो गया, मैटर हो गया, मैटर हो गया। तो मैटर होने का मतलब क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, मैटर हो गया। बट केमिस्ट्री में और साइंस में मैटर वो नहीं होता भाई। मैटर मतलब हर वो चीज जिसके पास में कोई मास है और थोड़ी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो मैटर है,
ठीक है, जैसे मैं, तो मैं क्या हूं, मैटर हूं, ये माइक मैटर है, ये पेंसिल मैटर है, ये आईपैड मैटर है, ये कवर मैटर है, बॉटल मैटर है, सब कुछ मैटर है, मतलब जो तुमको दिख रहा है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जो थोड़ा सा उसके पास मास हो, मास होना जरूरी है, ठीक है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, देखो मेरे पास मास है, सब चीजों के पास मास होता है, ऐसे तो बिल्कुल धूल का एक तिनका भी उठा लूं, धूल का एक कण भी उठा लूं, उसके पास भी हल्का सा मास होता है और थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो भी मैटर है। तो एवरीथिंग दैट यू कैन सी इज मैटर, ठीक है, जो जो दिख रहा है, जहां जहां तक दिख रहा है वो सब मैटर है, ठीक है। तो मैटर क्या है, एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्टेट, जैसे फुटबॉल है, पता नहीं मैंने ये एग्जांपल के लिए फुटबॉल क्यों डाली, बट स्लाइड्स बड़ी खूबसूरत सी बनी है गाइस, तो स्लाइड्स के लिए एक लाइक हो जाए तो ठीक है, फुटबॉल है, मैटर है। तो मैटर क्या है, देखो यही चीज देख रहे हैं हम, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, तो हर जो मैटर है उसको हम और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं। हमने भाई एक जमाने में एक बात पढ़ी थी कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब हर चीज एटम्स से बनी हुई है ना, तो जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको मैटर बोलते हैं, सॉरी जिसको हम एटम बोलते हैं। जैसे कि माइक है, तो माइक है छोटे छोटे एटम से बना हुआ है और पूरा का पूरा एक माइक बन गया, तो ये क्या है, एक मैटर है, ठीक है। वी कैन, हम या तो हम इसको देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, या फिर सब, ठीक है, मतलब कि अगर कोई मैटर है तो भाई या तो हम उसको देख पाएंगे, या फिर हम उसको टच कर पाएंगे, या फिर हम उसको फील कर पाएंगे। लेट्स से कि हवा चल रही, तो हवा दिख तो रही नहीं, क्यों हवा आ जा, हवा तो दिख नहीं रही, होती ना कि हवा इधर से आ रही, इधर से आ रही, नहीं, हवा हमको फील होती, क्या हाँ मस्त हवा आ रही है, बाल उड़ रहे हैं, ठीक है, तो लहरा रहे हैं बाल, तो वैसे क्या होती, हवा को फील कर पाते हम, टेस्ट इट, मतलब टेस्ट कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसे तुम कुछ खा रहे हो तो तुम उसको टेस्ट करो, तो बेसिकली इसे खाना है, अब जैसे लेट्स से कि खाना है, अब मान लो कि बढ़िया से कुछ, तो लेट्स से कुछ तो सिजलर बना हुआ है, ठीक है, पनीर और उसके ऊपर राइस नूडल्स वगैरह सब कुछ है, तो सिजलर जो है उसमें सब कुछ कर सकते हैं हम, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, गरम गरम होता है, टेस्ट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, तो वो भी मैटर है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जिनको हम देख नहीं भी सकते, जैसे कि बहुत छोटे छोटे आइटम्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैटर नहीं है, वो है मैटर, क्योंकि हम उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू तो देख सकते हैं, ठीक है, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। अब आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, बहुत सिंपल सी चीजें, देखो ज्यादा तुमको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। स्टेट्स ऑफ मैटर तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। वैसे तो और भी टाइप्स इजाद हो चुके हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ में, बट अभी अगर हाल फिलहाल की बात करूं तो मेन हमको इस चैप्टर में देखना है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मतलब अरे कुछ भी, सॉलिड मतलब जो सामने दिख रहा है, मैं सॉलिड, ये माइक सॉलिड, ये बॉटल सॉलिड, ठीक है, ये कवर सॉलिड, मतलब सॉलिड मतलब जिसको हम फर्मली पकड़ सकते हैं, समझ में आ रही बात, सॉलिड मतलब समझ आता है, लिक्विड मतलब क्या हुआ, लिक्विड मतलब ये भी समझ में आता है, पानी हो गया, चाय हो गई, दूध हो गया, ये सब क्या है, लिक्विड है। गैस, गैस मतलब समझ में आता है, ठीक है, वो जो फैक्ट्री के ऊपर से धुआं निकल रहा था ऐसे लहराते हुए, वो क्या है, गैस है, मतलब हालांकि वो धुआं है बट हाँ उसके अंदर भी क्या है क्या, एक तरह से गैस, ये जो हवा चल रही है ना, ये जो हवा तो नहीं, मतलब ऐसे ऑक्सीजन वगैरह है, तो यहां पर क्या क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें हैं, दिख नहीं रही है बट हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी गैस है, तो गैस मतलब समझ में आता है हमको। अब इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये तो हमने बचपन से पढ़ा कि भाई हमको पता है कि सॉलिड मतलब क्या होता है, कि जो बिल्कुल सॉलिड है, लिक्विड मतलब जो ऐसा थोड़ा पानी टाइप का कुछ जिसमें अंदर हाथ डाल सकते हैं हम, थोड़ा ऐसा कैसे कर सकते हैं, गैस मतलब जो हमको दिख नहीं रही है बट है, या फिर लेट्स से वेपर, जैसे पानी जब दूध जब उकल रहा होता है या फिर उबल रहा है, जो भी उसको बोलते हैं, वैसे ऊपर से ऐसे वेपर्स निकलते हैं, तो ये सब गैस है, ठीक है। अब देखो हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, अभी देखो मैंने तुमको थोड़ी देर पहले क्या बोला कि भाई हर जो चीज है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, तो बेसिकली सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या होता है, ऐसा क्या होता है सॉलिड के अंदर जो कि वो हार्ड होता है और मैं उसको उसे पकड़ सकता हूं, ऐसा क्या होता है पानी के अंदर जो मैं उसको पकड़ नहीं सकता और वो बिल्कुल ऐसे बह जाता है, ऐसा क्या होता है हवा के अंदर जो मैं उसको देख नहीं सकता और बिल्कुल मैं आराम से हाथ हिला लूं, तुम जब समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पे कुछ है भी, जबकि है, ऐसा नहीं कि यहां पे कुछ है नहीं, अभी बहुत सारे ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, नाइट्रोजन के हैं, सब है, बट फिर भी मुझे फील क्यों नहीं हो रहा, तो ऐसा क्या है उसमें, और ऐसा क्या है सॉलिड में, और ऐसा क्या है लिक्विड में, तो बेसिकली ये जो जितने भी पार्टिकल्स है ना उनकी डिस्टेंस पे मतलब होता है। जैसे कि देखो, अब जैसे हमने क्या देखा कि भाई यूनिटी, देखो एक सिंपल चीज बताता हूं, एकता में शक्ति हमको पता है, ठीक है, यूनिटी स्ट्रेंथ, मतलब कि अगर सब लोग मिलजुल के साथ में रहते हैं बिल्कुल क्लोजली, तो क्या होता है कि उनको कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो सॉलिड्स के अंदर क्या होता है भैया, सॉलिड के अंदर ये तो होता है, सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत पास चिपके हुए रहते हैं, जैसे कि ये है, तो इसके जो पार्टिकल्स अगर मैं देखूं तो बहुत ऐसे पास चिपके 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 बहुत पास है, बहुत पास है, जो इसके पार्टिकल्स, अब देखो इस बॉटल के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मैंने बताया एटम्स बने होते, तो इसके जो पार्टिकल्स है बहुत पास है, बहुत पास, तो उसके कारण क्या होता है, पहली बात तो ये सॉलिड हो जाता है ना, पहली बात तो सॉलिड हो जाता है, और दूसरा है कि फर्म हो जाता है ना, बहुत ऐसा सॉलिड फील हो रहा है ना हमको, और ये चेंज नहीं होता इसका शेप, है ना, इसका शेप चेंज नहीं होता। लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर जो डिस्टेंस होते हैं ना, जैसे यहां पर देखो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स की डिस्टेंस होती है ना थोड़ी दूर दूर होती है, और गैस के अंदर बहुत ही दूर दूर होती है, इसलिए जब हम सॉलिड में हम हाथ से डाल नहीं सकते, हम एक बार को लिक्विड में डाल सकते, और जब हम तुम पानी में अगर हाथ डाल के ऐसे लहराओगे तो तुमको फील होगा कि भाई फोर्स है, मतलब तुमको थोड़े
हाथ में जान लगानी पड़ेगी तब जाके तुम हाथ को ऐसे ऐसे कर पाओगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर तो है पर इतने भी दूर नहीं है, पर गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, तो ऐसे तुम गैस में आराम से ऐसे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यूनिटी नहीं होती, ठीक है? तो देखो हमेशा की तरह हम असल जिंदगी को अपने साइंस से रिलेट करते हैं, ये तो भाई हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है? अब देखो तो मतलब समझ में आ गया कि जो इंटर हम क्या होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर देखो मैं तुमको बताता हूं, इंटर मॉलिक्यूलर मतलब क्या हुआ, देखो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मतलब समझ में आ गया ना, मॉलिक्यूल मतलब जो उसके पार्टिकल्स हैं वो, इंटर मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर का मतलब आपस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आपस में वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। अगर उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है मतलब उनकी मित्रता बहुत ही घनिष्ठ है, मतलब बहुत ही अच्छे दोस्त है वो, मतलब बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, और अगर वो बहुत क्लोजली कनेक्टेड है तो क्या होगा, सॉलिड हो गया। अगर थोड़ी सी मॉडरेट है तो क्या होगा, लिक्विड हो गया, और अगर बहुत ही कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो क्या होगा, गैस हो गए, है ना? चलो ये चीज समझ में आ गई। अब स्टेट्स ऑफ मैटर देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि सॉलिड जो है उसका शेप भी डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। शेप मतलब कि जब ये बॉटल ऐसी तो ऐसी ही रहेगी, मतलब ये चेंज नहीं हो रही है, ये सॉलिड है ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने इसको कहीं और रख दिया तो उसका शेप चेंज हो गया, या फिर मान लो मैंने इसको डब्बे के अंदर रख दिया तो कुछ और गया, मैंने इसको हवा में रख दिया तो कुछ और गया, नहीं, ये बॉटल का शेप ऐसा कैसा रहेगा, और इसका वॉल्यूम भी इतना रहेगा, वॉल्यूम मतलब कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ये इतनी ही जगह ऑक्यूपाई करेगा जितना इसकी बाउंड्रीज है उतनी करेगा, तो सॉलिड की डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड के अंदर शेप डेफिनेट नहीं होता, मतलब मैंने क्या किया, इसके अंदर जब पानी डाल रहा था मैं, तो मैंने मटके में से पानी निकाला और इसमें डाला, तो मटके में पानी अलग शेप में था, कुछ इस शेप में था, और बॉटल में पानी कुछ इस शेप में आ गया, तो भी पानी ने शेप चेंज कर लिया, पानी तो पानी है बट पानी ने शेप चेंज कर लिया, बट उसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं हुआ, ठीक है? उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। अगर मैंने एक लीटर दूध लेके इसमें डाला तो इसमें भी एक लीटर ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि इसमें डालते डालते आधा लीटर हो जाएगा, ठीक है? तो एक लीटर दूध एक लीटर ही रहेगा, ठीक है? गैस का जो होता है भाई, शेप भी इंडेफिनेट, वॉल्यूम भी इंडेफिनेट, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, तो ये खो जाते हैं, एक दूसरे से दूर बिछड़ जाते हैं, और इतनी दूर दूर बिछड़ जाते हैं कि कहीं भी फैल जाते हैं। अब देखो जैसे कि मैं ये डीओ है, तो अगर मैंने इसको स्प्रे किया तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ये कितने दूर दूर फैल गए, मैं इसको देख नहीं पा रहा, मतलब इसका वॉल्यूम भी इंडेफिनेट हो गया, बहुत अलग अलग दिशाओं में चले गए, और शेप तो था ही नहीं डेफिनेट, मतलब पहले शेप ऐसा था फिर अब कुछ भी शेप हो गया इसका, ठीक है? तो ये बात हमको समझ में आ गई कि भाई गैस के अंदर ऐसा होता है। अब देखो ये चीज हमने देख ली, इसका देखो छोटा सा डिफरेंस देख लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इनके बीच में छोटा सा डिफरेंस है, जो सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है और स्पेसेस मिनिमम होती है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसेस, तो सॉलिड के अंदर तो बहुत ही चिपके हुए होते हैं तो इनकी स्पेसेस बहुत कम होती है, तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम दूरियां उतना कम स्पेस, ठीक है? आ रही बात समझ में? ठीक है, जहां जहां दूरियां ज्यादा होती है वहां वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है, ठीक है? ओके, लिक्विड के अंदर ये भी मॉडरेट है और ये भी मॉडरेट है, और गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है तो दूरियां जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है? बहुत बढ़ जाती है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मैक्सिमम। वेरी नाइस, ओके। अब देखो वैसे तुम्हारे पास में तीन स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि हमको मेनली पढ़ने हैं, बट एज सच हमारे पास में कई सारे स्टेट्स ऑफ मैटर और भी आते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ में, बट इस चैप्टर के अंदर हमारे पास में दो स्टेट्स ऑफ मैटर और हैं जिनके बारे में ज्यादा हमको नहीं पढ़ना, बट ये दे रखा है एनसीईआरटी में, तो मैं एनसीईआरटी सेंट्रिक होकर तुमको बता रहा हूं। एक है प्लाज्मा और एक है बीईसी। प्लाज्मा क्या है बेसिकली? प्लाज्मा इज सुपर हीटेड मैटर, मतलब इसके अंदर ना मतलब बहुत हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स रहते हैं, बहुत हाई एनर्जेटिक, जो हम मैनुअली मतलब बहुत ऐसे पार्टिकल जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जैसे सन की बात कर लो तो ये जो है इसको हम प्लाज्मा बोल सकते हैं, ठीक है? इसके जो यहां जो भी हो रही प्रोसेस को हम प्लाज्मा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है? तो ये तुम रीड कर सकते हो, ये तो भाई गूगल का डेफिनेशन है, ठीक है? बट तुम उसको रीड करके थोड़ा समझ सकते हो, हालांकि इतना हमारे को डिटेल में जाना नहीं इसमें। फिर बीईसी क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो है ये कंडेंसेट, ये क्या है? ये प्लाज्मा का ही ऑपोजिट समझ सकते हो तुम इसमें। इसमें क्या है बेसिकली, जैसे ये प्लाज्मा जो है सुपर हीटेड मैटर है, मतलब बहुत गर्म है, बहुत हाई एनर्जेटिक है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा नहीं, ये बीईसी जो है ये क्या है? उसका सॉर्ट ऑफ ऑपोजिट है, मतलब ये बहुत ही ठंडा है। ये कैसा है? इसके अंदर क्या है कि इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच इज टिपिकली फाउंड व्हेन अ गैस, और मतलब जब भी कोई गैस को हम बहुत कम डेंसिटी पे, बहुत कम डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है कि भाई कितने पास पास है पार्टिकल्स, ठीक है? ऐसा समझ सकते हो। डेंसिटी मतलब जैसे कि हाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है, मतलब बेसिकली डेंसिटी का फॉर्मूला ऐसा होता है, मास बाय वॉल्यूम, मतलब जितना ज्यादा मास कम वॉल्यूम में एक्वायर्ड है उसको हम ज्यादा डेंसिटी का बोलेंगे। जैसे कि मान लो अगर मैं स्टील की बॉल पकड़ता हूं हाथ में, तो स्टील की बॉल की डेंसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है पर वॉल्यूम इतना है। उसकी बजाय मान लो मैं कॉटन की बॉल पकड़ लेता हूं इतनी बड़ी, तो भाई कॉटन की बॉल की डेंसिटी बहुत कम है क्योंकि भले ही उसका वॉल्यूम उतना हो बट उसका मास तो बहुत कम है, है ना? तो डेंसिटी मतलब कि कितनी क्लोजली पैक्ड है मास, ठीक है? अभी यहां पर क्या है कि बीईसी के अंदर जो स्टेट ऑफ मैटर वो ऐसा है कि जब भी कोई गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है, मतलब बहुत ही लूजली पैक्ड होता है, मतलब बहुत फैला हुआ रहता है, और टेम्परेचर जो है बहुत कम कर दिया जाता है, ठीक है? तो ये होता है जैसे कि विद एट लो डेंसिटीज इज कूल टू टेम्परेचर वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो,
ठीक है, चलो इतना ही देखना, ज्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना। अब आते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। अरे भैया हमको सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना है, लिक्विड से गैस करना है, बहुत सिंपल सा टाइम, बहुत सिंपल सा टास्क है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बस सुनते जाओ भाई। सॉलिड से लिक्विड कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। बर्फ को बाहर निकालते तो पिघलते पिघलते पानी बन जाती है, हमको पता है। पानी को बॉइल करते तो उबलते उबलते वेपर्स बन जाता है, गैस बन जाता है, ठीक है, तो हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं लिक्विड को फ्रिज के अंदर रख दो, फ्रीजर के अंदर रख दो, तो क्या हो जाएगा? सॉलिड बन जाएगा, तो लिक्विड तो सॉलिड हो गया। वैसे ही अगर मैं गैस है, जैसे कि तुमने अगर देखा होगा कभी, तो जब भी मैं कुछ इसे उबाल रहा होता हूं और मान लो मैंने उसके ऊपर एक प्लेट रख दी, तो जब हम उस प्लेट को निकालते हैं तो तुमने देखा होगा उस प्लेट के नीचे पूरा पानी 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 हो जाता, पूरा गीला 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 हो जाता है। या फिर कई बार जब हम लंच ले आते थे स्कूल में, अब तो लॉकडाउन लग गया ठीक है, एक जमाने स्कूल चल रहा होता था तो हम लंच ले आते थे, अब लंच को जब हम खोलते थे, अब कई बार क्या होता है कि हमने एल्यूमिनियम फॉइल या किसी पर्टिकुलर कपड़े के अंदर बांध के नहीं दिया मम्मी ने, और अगर हम उसको खोल के देखें तो क्या होता था कि वो जो हमारा टिफिन बॉक्स है, जो हमारा लंच बॉक्स है, उसके जो वॉल होती थी नीचे वाली, जो ढक्कन के नीचे की जो वॉल होती थी, तो गीली हो जाती थी। वो गीली क्यों हो रही है? क्योंकि जो वेपर्स थे वो वेपर्स गए टकराए वहां पर और फिर ठंडे होकर लिक्विड हो गए, ठीक है, वही चीज हो रही है, तो वो भी कन्वर्ट हो जाता। तो बेसिकली सॉलिड से अगर मुझे लिक्विड में जाना तो मुझे हीट करना पड़ेगा, लिक्विड से गैस में जाना तो मुझे और हीट करना पड़ेगा। सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉलिड से हीट किया तो लिक्विड, लिक्विड से हीट किया तो गैस, ठीक है, फिर गैस से कूल किया तो लिक्विड उल्टा, और लिक्विड से कूल किया तो सॉलिड, सिंपल, ठीक है। जैसे कि ये देखो ये चेंज हो रहा है, जैसे बर्फ पिघल रही है और ये पानी जो है वो उबल रहा है। अब देखो इन प्रोसेसेस का कुछ नाम है, सॉलिड टू लिक्विड अगर मैं करता हूं, लेट्स से कि मैं सॉलिड से लिक्विड कर रहा हूं, तो उस प्रोसेस को मैं फ्यूजन बोलता हूं। जैसे मान लो कि बर्फ जो है वो पिघल रही है, तो उस प्रोसेस को फ्यूजन, ये नाम याद रखना है, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी वाला फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे नाम दिए हुए हैं। तो सॉलिड से लिक्विड को हम बोलते हैं फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। जैसे मान लो मैंने बर्फ, जैसे पानी को फ्रीजर के अंदर रखा और वो बर्फ बन रहा है, तो उस प्रोसेस को मैं सॉलिडिफिकेशन बोलूंगा। लिक्विड से गैस में जा रहा है तो वेपराइजेशन, वेपर्स बन रहे हैं, तो लिक्विड से गैस में जा रहा है तो मस्त वेपर्स वेपर्स बन रहे, तो वेपराइजेशन हो गया, और गैस से लिक्विड में आ रहा तो वो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब कंडेंस हो रहा है, ठीक है। फिर अब देखो सॉलिड से डायरेक्टली गैस भी बन सकता है, अगर तुमने देखा हो कर्पूर जो होता है, कैम्फर जो होता है, जिसको हम जलाते हैं, ठीक है, जनरली पूजा वगैरह टाइम पे उसको जलाते हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, उसको जलाते हैं तो वो सॉलिड रहता है और सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है, वो बीच में कहीं लिक्विड विक्विड नहीं बन रहा होता, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में भी जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ऑल राइट, तो सॉलिड से गैस भी डायरेक्टली हो सकता है, ये देखो यहां पर, ठीक है। ऑल राइट, अब देखो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि भाई कैसे कैसे कर सकते हैं। अब देखो गैस को, देखो यहां पर बेसिकली क्या है कि हम गैस को भी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? उसके दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से? एक तो मैं गैस को अगर कूल कर दूं, जैसे कि मान लो वाटर वेपर्स हैं, अब वाटर वेपर्स मैंने एक लेट से कि जैसे मैंने तुमको बताया टिफिन बॉक्स वाला, तो टिफिन बॉक्स में से जब खाना गर्म होता है तो सब ठीक चल रहा होता है, जब टिफिन भी गर्म होता है, फिर जब उसको थोड़ी देर बाद जब खाना ठंडा हो जाता है तो क्या होता है? ओवरऑल टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, तो वो जो वेपर जो थे गर्म खाने के, जो वेपर्स थे वो जब ऊपर वाली वॉल पर टकराए और जब वो ठंडे हुए, तो वो ठंडे होकर वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, तो पानी के ड्रॉप दिखने लग गए हमको वहां पे, ठीक है। तो एक तो ये होता है, और दूसरा तरीका होता है कंप्रेस करना। कंप्रेस करना मतलब देखो मैंने तुमको क्या बताया, मैंने तुमको ये बताया कि भाई गैस के अंदर जो पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर होता है, तो अगर मैं किसी तरह उन पार्टिकल्स को थोड़े पास पास ले आऊं, बहुत फोर्स लगा, कैसे मान लो पार्टिकल्स हैं दूर दूर, मैं उनको से पास पास ले आऊं, उनको से ऐसे करके बहुत पास में ले आऊं, तो हो सकता है ना कि वो सॉलिड लिक्विड बन जाए, सॉलिड तो नहीं, हो सकता है ना वो लिक्विड बन जाए। कैसे भाई? पार्टिकल्स पास पास आ गए तो लिक्विड जितने अगर मैं उनको पास कर दूं तो वो लिक्विड बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखो गैस में इतनी दूर दूर है ना, अगर मैं उनको किसी तरह पास करके पास में ले आऊं और इस टाइप से कर दूं, इस टाइप से कर पाऊं, तो क्या हो जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। हाँ, एक और चीज समझो भाई, सॉलिड में जो पार्टिकल्स है ना वो मूव नहीं करते हैं, अपनी जगह पर रहते हैं, लिक्विड और गैस में मूव कर सकते हैं। तुमने देखा होगा पानी के अंदर पार्टिकल्स में इधर उधर मूव कर सकता हूं ना, अगर मैं हाथ डाल के इधर करूं, गैस के अंदर भी ऑब्वियसली पार्टिकल्स मूव हो ही रहे हैं। अगर पार्टिकल्स मूव नहीं हो रहे तो मुझे ऐसे फट 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 फील हो रहा होता ना, पर वो इधर उधर मूव हो रहे हैं, तो ये चीज भी ध्यान रखो, मैं बताना भूल गया था उस टाइम। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई अगर मैं गैस के पार्टिकल्स को किसी तरह कंप्रेस कर पाऊं तो मैं उसको लिक्विड बना सकता हूं। तो हम क्या करते हैं, देखो इंजेक्शन जैसा दिख रहा है, ठीक है, इंजेक्शन जैसा दिख रहा है, याद आ गया इंजेक्शन की। तो क्या किया हमने, यहां पर गैस है, हम क्या कर रहे हैं ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं एक तरीके से, और उससे क्या होगा, जैसे जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये जो पार्ट है ये ऐसे कंप्रेस होता जाएगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये कंप्रेस होता जा रहा है। अब कंप्रेस हुआ तो ये जो पार्टिकल्स है ये ऑब्वियसली पास पास आ जाएंगे, जाएंगे कहां, फोड़ के तो बाहर जाएंगे नहीं, पास पास आ जाएंगे, तो जो पास पास हो जाएंगे तो एक तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखो पार्टिकल्स यहां पर दूर दूर है ना, फिर जैसे जैसे मैं पिस्टन को पास कर रहा हूं, मतलब ये मैं उसको और पुश कर रहा हूं, मैं उस पर प्रेशर लगाते रहा हूं, तो देखो पार्टिकल्स पास पास आते आ रहे हैं, और यहां पर देखो पार्टिकल्स बहुत ही पास आ गए, ठीक है। तो ये चीज हमको समझ में आ गई। अब देखो एक होता है मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या होता है, अब देखो ये तो हमको पता है, मेल्टिंग मतलब सॉलिड से जब लिक्विड बन रहा होता है,
ये मैंने उल्टा बोल दिया है ना, सॉरी सही बोला, सॉलिड से लिक्विड बन रहा होता है, जैसे आइस से वाटर बन गया, तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर सॉलिड मेल्ट होने लग जाता है, वेरी सिंपल। फिर बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग मतलब जहां पर लिक्विड जो है वो गैस बन रहा होता है, लिक्विड जो है गैस बन रहा होता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड गैस बन रहा होता है। हालांकि इसकी जो डेफिनेशन है ये बहुत एडवांस्ड है, अगर तुम बॉइलिंग पॉइंट की बाद में पढ़ोगे तो तुमको समझ में आए, तो वो उसमें डेफिनेशन में ऐसा है कि जब भी वेपर प्रेशर इसके बराबर होता है, वेपर प्रेशर लिक्विड होता है, तब उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बट अभी के हिसाब से तुमको इतना लोड नहीं लेना है, अभी के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पर हमारा लिक्विड बॉइल हो रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट है। एक चीज बता दूं, हर चीज का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, ठीक है? तो हो सकता है कि हमारा भाई वाटर जो है, लेट्स से आइस जो है, वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे हो सकती है मेल्ट? जीरो डिग्री पे। जीरो डिग्री क्या है? जीरो डिग्री पे धीरे धीरे मेल्ट होना चालू हो जाएगी वो, तो और पर दूसरे पार्टिकल्स किसी और टेम्परेचर में मेल्ट होते हैं, जैसे कि अगर मैं आइस को बाहर रख दूं तो रूम टेम्परेचर पे रख दूं तो मेल्ट होना लग जाएगा। पर कॉपर मेल्ट नहीं हो रहा, कॉपर को मुझे मेल्ट करने के लिए और हीट देनी पड़ेगी, तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा है। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा उसको मेल्ट करना उतना ही डिफिकल्ट है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसको बॉइल करना उतना ही डिफिकल्ट है। लेट से भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर मैंने उसको गैस पर रखा 100 डिग्री सेल्सियस तो बॉइल होने लग गया। पर हो सकता है किसी और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज्यादा हो, तो उसको बॉइल करने के लिए और तेज टेम्परेचर देना पड़ जाए, ठीक है? तो ये चीज हमको आगे समझ में। ऑल राइट, अब देखो एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं, इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। इवेपोरेशन क्या था भैया? इवेपोरेशन अभी तक तो आप बॉइलिंग बता रहे तो सही समझ में आ गया। इवेपोरेशन क्या होता है? देखो इवेपोरेशन बहुत सिंपल सी चीज होती है, ठीक है? इवेपोरेशन का मतलब ये होता है कि हम कुछ अलग से नीचे से आग नहीं लगा रहे। बॉइलिंग में क्या होता है कि हम गैस पर रख के नीचे से आग लगाते तो बॉइल होता है, करके बॉइल हो जाता है। पर इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता। तुमने देखा होगा कि भाई जब बारिश होती है तो सड़कों के नीचे तो कोई गैस लेके बैठता नहीं कि पानी सूख जाए, फिर भी अपना पानी सूख जाता है ना, तो वो कैसे सूख रहा है? वो इवेपोरेशन के कारण सूख रहा है, ठीक है? इवेपोरेशन मतलब कि जो इवेपोरेशन है सेम बॉइलिंग जैसा ही, इवेपोरेशन के अंदर भी लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? इवेपोरेशन में भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बट वो एक तरीके से स्लो प्रोसेस है और वो आराम से अपने आप हो रहा होता है। तो इवेपोरेशन हमेशा चलता रहता है, भले ही सूरज हो कि नहीं हो। अगर मैं यहां पर अपने रूम में पानी ढोल दूं तो भी अगर तुम चार दिन या मतलब चलो अभी एक दो घंटे में तो नहीं, बट अगर मैं काफी सारे घंटे बाद आके देखूंगा तो तुमको पानी सूखा हुआ मिल जाएगा। तो पानी गायब कहां हो गया? कहीं गायब तो नहीं हो ना? ऐसा तो नहीं कि जमीन ने सोख लिया उसको, ठीक है? यहां तो टाइल्स लगे, टाइल्स तो सोखे कि नहीं, चलो धरती तो फिर भी सोख लेगी, पर टाइल्स तो नहीं सोखेगी ना, तो पानी गया कहां? वो पानी इवेपोरेट हो गया, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इवेपोरेशन की प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ठीक है? तो इवेपोरेशन क्या है? अब देखो ये हमको समझा गया कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है? तो देखो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या-क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है कि इवेपोरेशन जो सरफेस फिनोमेना है और बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमेना है। यहां पर वर्ड दिया नहीं है, बट यहां पर तुम नोट कर लो कि ये जो है ये बल्क फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना मतलब जब हम बॉइल कर रहे होते हैं, जब हम जैसे लेट्स से मैं यहां पर बॉइल कर रहा हूं, है ना, ये बॉइल कर रहा हूं, तो ये बॉइलिंग के अंदर क्या होगा कि ये सारे पार्टिकल्स जो है वो बॉइलिंग की प्रोसेस में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है? ये सारे पार्टिकल जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब बॉइल होते हैं, बड़बड़, ठीक है? पर इवेपोरेशन के अंदर सिर्फ सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्ट ले रहे होते हैं। जैसे लेट्स मैं कुछ पानी ढोल देता हूं जमीन के ऊपर, तो ये जो बिल्कुल सरफेस के है ना, ये इवेपोरेट होंगे पहले। तो इवेपोरेशन क्योंकि चूंकि हम नीचे से तो कुछ दे नहीं रहे, जो हो रहा है ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो इसलिए पहले सरफेस मतलब जो टॉप पे होगा, सरफेस फिनोमेना मतलब जो सरफेस वाइज होगा, ठीक है? तो सिर्फ सरफेस वाले जो आपके पार्टिकल्स हैं पानी के वो ही वेपोरेट होंगे। बॉइलिंग के अंदर सारे पार्टिकल्स पार्ट ले रहे होते हैं एक साथ, ठीक है? ये बात हमको समझ में आ गई। तो इट इज सरफेस फिनोमेना, इट इज बल्क फिनोमेना। लिक्विड टेम्परेचर ड्रॉप्स ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ये चीज ध्यान से समझना, ये चीज मैं तुमको बताने वाला हूं, ये चीज अभी तुमको आगे चल के बताऊंगा तुमको समझ में आएगी कि भाई बॉइलिंग के अंदर एक चीज ध्यान रखो कि लिक्विड टेम्परेचर अनचेंज होता है। तुम बोलोगे कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है यार, अभी तो आपने बोला कि जब तक गर्म नहीं करेंगे तब तक बॉइल नहीं होगा। हाँ, तब तक बॉइल नहीं होगा, पर एक बार जब बॉइल होना स्टार्ट हो जाए तो जब तक पूरा लिक्विड बॉइल नहीं हो जाता उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा, ठीक है? अब ये बात मैंने बहुत खतरनाक बोल दी है, तो हमारे सिर के ऊपर से निकल गई, अभी तुमको आएगी समझ में, रुको दो मिनट। बट अभी इवेपोरेशन का देख लो, इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड टेम्परेचर ड्रॉप्स ड्यूरिंग इवेपोरेशन। ये क्या हो गया? देखो मैं तुमको एक बात बताऊं, बेसिकली होता क्या है इवेपोरेशन। देखो इवेपोरेशन हो कैसे रहा है, इवेपोरेशन कैसे हो रहा है? देखो इवेपोरेशन करने के लिए हीट की जरूरत है ना, बिना हीट के तो इवेपोरेट होगा नहीं। इवेपोरेशन करने के लिए हीट की जरूरत है, तो या तो एनवायरनमेंट से हीट मिल जाए मुझे, मान लो मैंने यहां पर पानी डोल दिया, समझ के चलो या मेरे हाथ पे पानी डोल चुका है, ठीक है? समझ के चलो मेरे हाथ पे पानी डोल चुका है। अब या तो एनवायरनमेंट से मुझे हीट मिल जाए जिसके कारण सूख जाए, देखो बहुत धूप में रखोगे तो सूख जाएगा, या फिर अब थोड़ी एनर्जी तो हम एनवायरनमेंट से ले लेंगे और ये जो लिक्विड है ये क्या करेगा, इवेपोरेट होने के लिए थोड़ी हीट मेरे हाथ से खींच लेगा। तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में हीट होती है, तो हमको पता ही ना भाई हमारी बॉडी के अंदर हमेशा हीट होती है, तो
वो जो पानी है वो क्या करेगा, मेरी मेरे हाथ में से हीट खींच लेगा ताकि उसके पास हीट एनर्जी आ जाए। इवेपोरेशन के लिए हीट एनर्जी की जरूरत है, जब तक एनर्जी नहीं होगी, हीट एनर्जी नहीं होगी तब तक इवेपोरेट कैसे होगा? जैसे जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तब तक हम आग कैसे लगाएंगे? तो जब तक पानी के पास एनर्जी नहीं होगी तब तक वो इवेपोरेट कैसे होगा? ठीक है, तो वो जो पानी है वो मेरे हाथ में से एनर्जी खींच लेगा और हाथ में से एनर्जी खींच के इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई। तो मेरा जो हाथ है उसमें से हीट गायब हो गई ना, मेरे जो हाथ ने मेरे हाथ वो जो लिक्विड था उसने मेरे हाथ में से हीट खींच ली, तो मेरा हाथ ठंडा ठंडा हो जाएगा ना, मेरा हाथ ठंडा ठंडा हो जाएगा ना। आ रही बात समझ में? अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सैनिटाइजर। तो लेट से मैं आज की आज मतलब तुमको सैनिटाइजर लगाना बहुत जरूरी है, तो लेट से कि मैंने हाथ में सैनिटाइजर लिया। अब सैनिटाइजर लेने के बाद में क्या होता है, तुमको ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि जो सैनिटाइजर जब तुम उसको रब करते हो तब क्या होता है, ये इवेपोरेट हो रहा होता है, मेरे मतलब मेरे हाथ में से हीट खींच रहा है और इवेपोरेट हो रहा है, वरना गायब कहां हो गया सैनिटाइजर? देखो अभी लगाया था, अभी गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? क्योंकि वो इवेपोरेट हो गया। ठीक है, इवेपोरेशन इज अ ग्रेजुअल, अभी और समझाऊंगा, इवेपोरेशन इज ग्रेजुअल प्रोसेस और बॉइलिंग इज अ विगरस प्रोसेस, मतलब इसे बहुत तेजी से चलती हो, बहुत फास्ट चलती हो और बहुत स्ट्रांगली चलती हो। ठीक है, अब देखो इवेपोरेशन इट कॉजेस कूलिंग, इसका मैंने तुमको बता दिया, जैसे कि लेट से कि चलो मैंने अभी बता दिया, वैसे तुमको भी बताना चाहता, मैंने पहले बता दिया, मैं तुमको बोलता हूँ भाव करता हूँ स्लाइड आने से पहले बता देता हूँ कंसेप्ट। तो जैसे मटका है, तो मटके का क्या कंसेप्ट है ये मैं तुमको बताता हूँ। चलो ठीक है, मटके का यह कंसेप्ट है कि भाई मटके के अंदर छोटे 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 होल्स रहते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो यहाँ पे सरफेस वाला पानी है, जो सरफेस बीच में तो कुछ नहीं होगा भाई, इवेपोरेशन सरफेस में होना है, तो जो सरफेस वाला पानी है ये क्या होगा, ये इवेपोरेट होगा, है ना। अभी जब पानी इवेपोरेट होगा तो हीट एनर्जी कहां से लाएगा? थोड़ी तो एनवायरनमेंट से ले लेगा, और थोड़ी मतलब मैक्सिमम जो हीट एनर्जी इसको चाहिए इवेपोरेट होने के लिए वो कहां से लाएगा, वो जो अंदर का पानी है ना उससे हीट खींच लेगा। तो जो वो पानी से हीट खींचेगा, मतलब जो सरफेस वाला पानी, तुम सोचो सरफेस वाले पानी को अलग समझो और बीच में जो मेन पानी है हमारा मटके के अंदर उसको अलग समझो। तो जब सरफेस वाला पानी अंदर वाले पानी से हीट खींचेगा इवेपोरेट होने के लिए, तो जो अंदर वाला पानी है यहां वाला वो ठंडा हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। तो मटका ऐसे ही काम करता है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या फैक्टर्स है? टेम्परेचर, ऑब्वियसली जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन तेज होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर धूप में अगर मैं पानी डोल दूं तो फटाफट सूख जाता है, और अगर छांव में मैं पानी डोल दूं तो देर से सूखता है। जैसे कपड़े सुखाते हैं, तो कपड़े जब हम धूप में सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, छांव में देर से सूखते हैं। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब जो ह्यूमस होते हैं ना पानी के अंदर, देखो ये एयर के अंदर हमेशा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमेशा होते हैं। ठीक है, हमेशा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना। और यही वाटर वेपर जब ऊपर जाते तो बारिश होती है, कंडेंसेशन होता है, तुमको पता ही है। ठीक है, पानी इवेपोरेट हुआ, फिर बादलों में गया, फिर कंडेंसेशन, फिर कंडेंसेशन हो गया, तो कंडेंसेशन के कारण पानी वापस नीचे आ गया। तो ये तो हमको पता है ऐसा होता है, बारिश कैसे आती है। तो बेसिकली क्या बोल रहा हूं मैं कि वाटर वेपर जो है हमेशा एयर में होते हैं। अब जिस जगह पे एयर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, ह्यूमिड मतलब जैसे अगर तुमको पता हो, लेट्स से मुंबई का एग्जांपल ले लूं, तो जो कोस्टल एरिया होते हैं, जो समुद्र के पास में होते हैं, वहां पर हमेशा ह्यूमिड रहता है, चिपचिपी रहता है, चिपचिपा रहता है, मतलब हमेशा ह्यूमिडिटी रहती है। तो जब एनवायरनमेंट में ऑलरेडी बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं तो वो और वाटर वेपर्स क्यों उठाएगा कहीं से? ठीक है, वो और वाटर वेपर्स क्यों उठाएगा? तो वहां पर इवेपोरेशन कम होगा। तो जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है वहां पर इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, और जहां ह्यूमिडिटी कम है, मतलब जहां हवा के अंदर वाटर वेपर्स कम है, तो वो क्या करेगी, हवा हवा जो है वो वाटर वेपर्स निकालने की कोशिश करेगी, तो इसलिए इवेपोरेशन वहां पर जल्दी होगा। बॉइलिंग पॉइंट, जितना देखो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग और इवेपोरेशन है सेम ही चीज, तो अगर बॉइलिंग जल्दी हो रही किसी चीज की तो इवेपोरेट भी जल्दी हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई उसके जो बीच का मतलब जो फोर्सेस ऑफ जो इंटरेक्शन है वो वीक है। हाँ, तो देखो बेसिकली मैं तुमको क्या बोल रहा था कि ये हीट एनर्जी चाहिए क्यों, जैसे मैंने सैनिटाइजर यहां ले लिया, यहां रख दिया, तो ये इसको क्यों हीट एनर्जी चाहिए वेपरेट होने के लिए? हीट एनर्जी इसलिए चाहिए ताकि वो उस एनर्जी के थ्रू अपने जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो उसके पार्टिकल्स है जो बहुत पास पास है, उनको अगर उसको तोड़ना है, ये अगर पार्टिकल्स पास पास है और अगर मुझे इनको तोड़ना है, इनको दूर दूर करना है, तो मुझे एनर्जी चाहिए रहेगी ना इनको तोड़ने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए सर डिस्ट्रूम करके एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी कहां से आएगी? वो हीट एब्जॉर्ब करके आएगी। ठीक है, ये चीज हो गई। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया, ये बात ध्यान से सुनो। अगर मैं किसी भी लिक्विड को मतलब बहुत ही चिपका के रखता हूं, मतलब लेट से सरफेस एरिया कम है, मतलब मैं हाथ में थोड़ा सा लिक्विड रख लेता हूं ऐसे, तो वो बहुत देर बाद सूखेगा। पर अगर तुम देखो, अगर हम किसी लिक्विड को फैला दें तो बहुत जल्दी सूख जाता है। इसलिए जब तुम ध्यान रखो, जब हम पोछा लगाते हैं घर के अंदर, तो पोछा लगाते टाइम पे क्या होता है कि हम बहुत बड़े सरफेस पे लगाते हैं, इसलिए पानी जल्दी से सूख जाता है। अब इमेजिन करो, उसकी वजह आके मैंने एक बाल्टी पानी लिया और ऐसा कैसा ढोल दिया, तो मान लो एक बाल्टी, चलो हाँ, तो लेट फॉर एग्जांपल जिस बाल्टी में पानी है हमारा पोछा लगाने का, उसके अंदर पानी इवेपोरेट नहीं हो रहा है, पर जैसे ही हम उस बाल्टी के पानी को जमीन पर रखते हैं और लंबे सरफेस पर रखते हैं, बड़े सरफेस पर रखते हैं, तो जल्दी इवेपोरेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस बिना होना है, तो जितना बड़ा सरफेस होगा उतनी ज्यादा जगह रहेगी इवेपोरेशन के लिए, है ना, और जितना कम एरिया उतनी कम जगह रहेगी इवेपोरेशन के लिए। ऑलराइट, मूवमेंट ऑफ एयर, तो जितनी जल्दी हवा चल रही होती, जितनी तेज हवा चल रही उतनी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, हवा से सूख जाता है। प्रेशर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन, प्रेशर अगर कम होगा तो इवेपोरेशन
बढ़ जाएगा। अब देखो आते हैं मेन पॉइंट पे कि भाई क्यों क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपने ऐसा उस टाइम क्यों बोला कि बॉइलिंग के टाइम पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये बात आपने अपने मुंह से कैसे बोली, इसका क्या रीजन है, तो वो तुमको मैं बताने वाला हूं। ड्यूरिंग अ फेज चेंज द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। अब चलो इसके पहले मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है। अब एक कहानी सुनाता हूं जो मैंने जस्ट अभी बनाई थोड़ी देर पहले, ठीक है, चलते चलते ही बना ली। अब देखो तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। इमेजिन करो मैं तुमको बहुत सही कहानी सुना रहा हूँ, बस ना ज्यादा इसको भावुक मत हो जाना, मतलब तुम ऐसा मत सोचना कि भैया आपने कहानी सुना दी, मतलब यही ऐसे, मैं तो तुमको बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो तीन दुकानें हैं, तीन शॉप्स हैं, है ना, तीन शॉप्स हैं। अब ये तीन शॉप्स हैं, अब इनके अंदर क्या है, कपड़े मिल रहे हैं, ठीक है, कपड़े मिल रहे हैं। तो मैं क्या गया, सबसे पहले पहली शॉप में गया, है ना। अब मेरे पास में अब इस शॉप के अंदर जो कपड़ों की रेंज है वो सस्ती है, मतलब यहाँ पर 50 से लेकर 100 रुपये तक के कपड़े मिल रहे हैं, ठीक है। और ये दूसरे दुकान के अंदर मान लो 300 से लेकर 400 रुपए तक के कपड़े मिल रहे हैं, और ये अगली दुकान है मान लो 500 से लेकर 1000 रुपए तक के कपड़े मिल रहे हैं, मतलब कि रेंजेस अलग अलग है कि नहीं। अब सुनो। अब मैं गया पहली दुकान में, ठीक है। अब मैंने ट्राई किए कपड़े, अब मैंने ऐसा टारगेट बनाकर रखा है कि इस दुकान के, मतलब जिस भी दुकान में जाऊंगा वहां का सबसे महंगा कपड़ा पहन के आऊंगा, ठीक है। ऐसा मैंने मान के रखा कि भाई सबसे महंगे कपड़े पहन के आएंगे। तो मैंने क्या किया, मैं इस दुकान में गया, मैंने सारे कपड़े ट्राई किए। तो मैं स्टार्टिंग से ट्राई करूंगा, मतलब मैं ट्राई स्टार्टिंग से कर रहा हूं कि भाई पहले 50 का क्या, फिर 60 रुपीस का क्या, फिर 70 रुपीस का, फिर 80 का, फिर 90 का, फिर 100 का फाइनली, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सस्ते से स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने 50 रुपए के कपड़े पहने, मतलब नहीं हाँ सस्ते कपड़े पसंद नहीं आ रहे, फिर 60 वाले पहने, मतलब नहीं 70 वाले पहने, 80 वाले पहन के देखे, 90 वाले ट्रायल करके देखे, दुकान वाला बोल रहा है भैया बस करो अब ले जाओ कोई कपड़े, मैं बोल रहा हूं नहीं और दिखाओ। तो फिर उसने बोला कि भैया ये सबसे प्रीमियम है 100 रुपीस वाला, तो मैंने 100 रुपीस वाला पहन लिया, है ना। अब 100 रुपीस वाला पहन लिया, अब क्या हुआ, मुझे मैं संतुष्ट हो गया कि भैया इस दुकान का सबसे महंगा कपड़ा मैंने खरीदा है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने दुकानदार को 100 रुपए दे दिया। अब क्या हुआ, मैंने जब अपनी जेब में देखा तो मेरे पास में और पैसे थे, ठीक है, मेरे पास में और पैसे थे अवेलेबल। अब जब मैंने पैसे दे दिया, मेरे पास में और पैसे बचे हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं यार मुझे तो पूरे पैसे खर्चा करने थे, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं मुझे पता चला कि भाई यहां पर एक दूसरे नंबर की दुकान भी जिसपे और महंगे कपड़े मिलते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने जो 100 रुपए वाला कपड़ा पहन के रखा है, जो 100 रुपए वाला मान लो टी शर्ट पहन के रखा है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से लेके यहां जाऊंगा, है ना। तो मैंने क्या किया भैया, मैं ऑटो से गया यहां से लेके यहां तक। अब भाई मैं रास्ते में तो कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं ना, रास्ते में तो मैंने 100 रुपए वाले टी शर्ट ही पहन रखा है, रास्ते में चेंज करूंगा तो लोग जूते मारेंगे मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे ऑटो से यहां तक गया। अब ये ऑटो में भी मुझे कुछ खर्चा हुआ, है ना, ऑटो वाला फ्री में थोड़ी ले जाएगा। तो मैंने यहां पर पहले के, सब देखो सबसे पहले क्या, मैं इस दुकान में गया, मैंने सस्ते ऐसे करके महंगे धीरे धीरे करके महंगे कपड़े पहने। अब मैं आ गया बिल्कुल टॉप पे जो कि है 100 रुपीज का। अब 100 रुपए से महंगा वहां पे कोई कपड़ा नहीं है, और मेरी जेब में पैसे ज्यादा है, और मुझे चाहिए कि मैं तो और महंगा कपड़ा खरीदूं। तो मैं क्या करूंगा, अभी 100 रुपए वाले टी शर्ट तो पहन लिया मैंने यहां से, है ना, अब भाई जो पहना वो नए कपड़े पहन के जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, बाहर ऑटो मिलेगा, अब उस ऑटो से जाऊंगा दूसरी दुकान पे। तो ऑटो वाले ने मुझसे कुछ पैसे लिए, है ना, और इस बीच मैंने वही टी शर्ट पहन रखा है 100 रुपए वाला, ऑब्वियसली, ठीक है, बीच में तो चेंज करूंगा नहीं मैं, तो 100 रुपए वाला कपड़ा पहन के मैं यहां आ गया दूसरी दुकान पे। अब मैंने दूसरी दुकान पे कपड़े देखना चालू किए, तो लेट से कि यहां पर चलो 200 सही है, मतलब लेट से 100 से 400 तक की रेंज है यहां पे, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया, वापस से चेंज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो जो टी शर्ट था उसको मैंने हटाया, फिर मैं और पहनता जा रहा हूं, 100 रुपए का पहना, 200 का पहना, 300 का पहना, 400 का पहना, ठीक है। अब मैंने दूसरी दुकान पर 400 का पहन लिया। अब मैंने जेब में देखा तो मुझे पता चला मेरे पास तो और पैसे हैं, ठीक है, मेरे पास तो और पैसे हैं। तो मैं क्या करूंगा कि भैया मैंने 400 रुपए वाला तो पहन लिया, अब इस दुकान पे 400 से महंगा तो कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं तीसरी दुकान पे जाऊंगा। तो तीसरी दुकान पे भी मैं जाऊंगा ऑटो से, तो अब मैं क्या करूंगा, 400 रुपए वाला कपड़ा पहन के जाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे महंगे कपड़े पहनने बस, ठीक है। तो मैं यहां से गया, अब क्या होगा, मैं ऑटो के बजाय किससे जाऊंगा, टैक्सी से जाऊंगा, क्योंकि पैसे ज्यादा है ना मेरे पास में, ठीक है। अब महंगे कपड़े पहन के ऑटो से जाएंगे तो अच्छा लगेगा, हम टैक्सी से जाएंगे, तो मैं टैक्सी से गया, ठीक है। अब टैक्सी से जब मैं जा रहा हूं तो मैंने 400 वाला ही पहन रखा है। अब मैं यहां पहुंच गया तीसरे नंबर की दुकान पे। अब तीसरे नंबर की दुकान पे लेट से 400 से लेकर 1000 तक की रेंज है, ठीक है। तो अब इस पूरे रास्ते अगेन मैंने टैक्सी वाले को कुछ पैसे दिए, और टैक्सी वाले को ऑब्वियसली ज्यादा पैसे दूंगा मैं, तो टैक्सी वाले को मैंने पैसे दिए, पर इस पूरे टाइम पे मैंने 400 वाले कपड़ा पहन रखा है ना। अब जब मैं तीसरी दुकान पे पहुंचा तो अगेन मैं स्टार्ट करूंगा 500 से लेकर 1000 तक के पहनना। तो बेसिकली मैंने देखा कि भाई मेरे जेब में जब तक पैसे हैं तब तक मैं महंगे कपड़े पहनते जाऊंगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मुझे एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाना ही पड़ेगा, और जब मैं एक दुकान से दूसरी दुकान पर जा रहा हूंगा तब मुझे जब जो मैंने कपड़ा पहन रखा है यहां पे वही कपड़ा रहेगा मेरे पास में, ठीक है, और मैं किसी ऑटो वगैरह से जाऊंगा और उसको पैसा दूंगा। तो बेसिकली अब तुम ध्यान से सुनो कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कि यहां पर जिस पैसे की मैं बात कर रहा हूं, तो जो पैसे है दैट इज इक्वल टू हीट एनर्जी, है ना। ये जो दुकानें हैं, ये जो शॉप्स हैं, ये किसके बराबर हैं, दीज शॉप्स आर इक्वल टू फेजेस, फेजेस मतलब स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड गैस। और जो कपड़े हैं, ठीक है, जो क्लोथ्स हैं, जैसे 100 रुपए वाला, 200 रुपए वाला, ये क्या है, ये टेम्परेचर है,
ये क्या है, ये टेम्परेचर है। अब बस भूल जाओ थोड़ी देर के लिए मैंने क्या बोला, अब ध्यान से, अब ये कहानी साइड में रखो, अब मैं तुमको समझाता हूं कि मैं ये क्या लेटेंट हीट क्या होती है, ठीक है, नॉर्मल भाषा में, फिर मैं तुमको रिलेट करके बताऊंगा कि मेरे कहने का मतलब क्या था और इसे तुम कैसे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। चलो लेटेंट हीट, अब अभी भूल जाओ दो मिनट के लिए कहानी। लेटेंट हीट बेसिकली क्या है, देखो जब भी कोई फेज चेंज हो रहा होता है, मतलब लेट से कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तो बेसिकली डेफिनेटली लेट्स से कि लिक्विड है, अगर मुझे इसको गैस में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, मुझे इसको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि हीट एंड टेम्परेचर आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, ये अलग अलग है। तो मैं इसको हीट दे रहा हूं, मैं टेम्परेचर नहीं दे रहा हूं, मैं इसको हीट एनर्जी दे रहा हूं। अब मैंने हीट एनर्जी दी तो इससे क्या होगा कि गर्म होने लग गया, ये क्या हुआ, गर्म होने लग गया। अब ये गर्म होते होते आ गया इसके बॉइलिंग पॉइंट पर, लेट्स से कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, आ गया इसके बॉइलिंग पॉइंट पे, अब यहां से बॉइल होना चालू हो गया, ठीक है। तो अभी बॉइल होना चालू हो गया, तो जब ये बॉइल हो रहा होगा, मतलब उस पॉइंट पे जब से ये लिक्विड जो था ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी कि एक्चुअल लिक्विड से गैस कन्वर्जन स्टार्ट हो गया, उस टाइम पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो लेट से मैं थर्मोमीटर लगा के रखूं तो ये हमको दिखेगा कि भाई मान लो पानी मैंने लिया था 30 डिग्री सेल्सियस और अब मैं इसको बॉइल करते 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 आ गया 100 डिग्री, मतलब टेम्परेचर की रीडिंग थोड़ी छोड़ दो क्योंकि वो मुझे इमेज मिली नहीं, ठीक है। तो लेट्स से कि आ गया धीरे धीरे 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब क्या हो, बॉइल होना स्टार्ट हो गया, तो जब ये बॉइल हो रहा होगा ना उस टाइम पे ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अभी तक तो पूरा थर्मोमीटर हमको टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखा रहा था कि भाई 30 डिग्री से कैसे 40 हुआ 50 हुआ, जैसे तुम गैस देते जा रहे हो गैस पे है तो धीरे धीरे टेम्परेचर अपना बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री और जैसे ही बॉइल होना स्टार्ट हो गया उस टाइम पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उस टाइम पे वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होगा और तुम देखोगे कि थर्मोमीटर में टेम्परेचर वही का वही है। तो ये जो हीट मैंने दी अगर ये टेम्परेचर में नहीं जा रही, अगर मुझे टेम्परेचर में नहीं दिख रही, तो क्या ये हीट गायब हो गई? भाई मैं हीट तो देते जा रहा हूं ना कंटिन्यूअसली, और अभी तक तो हीट हमको टेम्परेचर में दिख रही थी कि भाई हीट जो है वो टेम्परेचर में हमको दिखती जा रही है, पर अभी टेम्परेचर में भी नहीं दिख रही है तो हीट कहां जा रही है? ये जो मैं हीट दे रहा हूं, तो ये जो हीट मैं दे रहा हूं वो कहां जाएगी? वो जाएगी, वो स्पेसिफिकली कहां जाएगी, वो इसको टेम्परेचर यानी कि इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करने में नहीं जाएगी, वो हीट इसके जो पार्टिकल्स है ना उनके फोर्सेस, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनको तोड़ने में लगेगी। अब अभी तक तो जो हीट थी वो किस में लग रही थी? टेम्परेचर बढ़ाने में। अब एक पॉइंट के बाद जब बॉइलिंग पॉइंट आ गया उसके बाद भी जो हीट जा रही है वो अब उसके टेम्परेचर में नहीं लगेगी, वो अब कहां लगेगी कि भाई अब देखो ऐसा रियलाइज हो गया है वाटर को कि भैया अब तो हमको टूटना पड़ेगा, तो वाटर क्या करेगा अपने, अब देखो वाटर के पास में क्या है, एक तो टेम्परेचर है ना, तो अभी तक क्या कर रहा था हीट, वाटर क्या कर रहा था, हीट ले रहा था और अपने टेम्परेचर बढ़ा रहा था, पर अब वाटर को पता चला अरे भाई साहब टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, रुको 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 अब मुझे अपने पार्टिकल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो वाटर ने सोचा कि अब ये जो हीट है ना इसको टेम्परेचर को नहीं देते अब हम, ठीक है, अब टेम्परेचर दो मिनट तो वहीं रुक जहां है, अब ये जो हीट है मैं अपने आप को तोड़ने में यूज करूंगा, अपनी जो पार्टिकल्स है मेरे अंदर के जो पार्टिकल्स है जो पास पास चिपके हुए हैं उनको तोड़ने में यूज करूंगा, ठीक है। तो ये जो हीट है जो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है, जो हमको दिखती नहीं है, हिडन रहती है, हिडन है ऑब्वियसली क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है, अब पार्टिकल्स टूटते हो तो हमको दिख नहीं रहा, तो एक तरीके से ये हीट जो है वो हिडन है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट मतलब हिडन, इसका मतलब होता है हिडन, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हिडन, ठीक है। तो अब बात आई समझ में, ठीक है, अब बात आई समझ में। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे ही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर गया तो ऐसा हो जाएगा, सेम होता है मेल्टिंग में, लेट्स से कि बर्फ जो है वो मेल्ट हो रही है, तो बर्फ जब देखो बर्फ अभी तक 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने 0 डिग्री से भी कम पर रखी थी, माइनस में रखी हुई, तो बर्फ थी। अब जैसे मैंने बर्फ को बाहर रख दिया, तो जैसे मैंने बर्फ को बाहर रखा ना, अगर तुम देखोगे तो उस बर्फ का अभी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लो जैसे मैंने -30 डिग्री पर रखा, फिर -20 डिग्री पर रखा, फिर -10 डिग्री पर, फिर -5 डिग्री पे, ऐसे करके मैं धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो मैं धीरे धीरे हीट दे रहा हूं, है ना, हीट देते जा रहा हूं, मान लो बर्फ को मैं थोड़ी थोड़ी हीट देते जा रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं हीट देते जा रहा हूं इसका टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, पर जिस पॉइंट पर यह अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, मतलब मैंने हीट देते देते इसको मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचा दिया, अभी यहां से पिघलना स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे ही यहां से पिघलना स्टार्ट होगा, लेट से मैं बर्फ नहीं लेता हूं, बर्फ बहुत कॉमन एग्जांपल है, लेट से कोई मेटल हो गया, ठीक है, लेट से कॉपर ही हो गया, तो मान लो कॉपर जब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, अभी देखो कॉपर वैसे तो सॉलिड है ना रूम टेम्परेचर पे, इसलिए तुम ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, तो लेट से कॉपर है ना, अब मैंने क्या किया इसको मैं मेल्ट करने के लिए, इसको मैंने टेम्परेचर दिया ढेर सारा, इसको मैं हीट करते रहूं, तो ऑब्वियसली भाई जब मैं इसके नीचे गैस रखूंगा तो मैं जब हाथ लगाऊंगा तो मुझे गरम गरम लगेगा ना, अगर मैं इसको गरम कर रहा हूं तो मुझे गरम गरम लगेगी बॉटल ऑब्वियसली, ठीक है, पर मतलब कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, पर जब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ना तो उसका टेम्परेचर तब कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब जिस मेल्टिंग पॉइंट पे ये मेल्ट होना चालू हो रहा है तो उस प्रोसेस तक इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो जो हीट एनर्जी है वो अभी जो हीट एनर्जी थी अभी टेम्परेचर के पास नहीं जा रही है, अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज हो रही है, अभी तक तो टेम्परेचर बढ़ाते जा रही थी, पर अभी क्या हुआ कि हमने बोला भाई टेम्परेचर तो दो मिनट रुक, मुझे अभी इतना टेम्परेचर हो गया कि अब तो मुझे तोड़ना ही पड़ेगा अपने आपको, तो मैं तोड़ूंगा कैसे कि हीट एनर्जी को
टेम्परेचर को देने के बजाय अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दूंगा ताकि वो टूट जाए। ठीक है, अब देखो कि भैया इस कहानी का मतलब क्या था। अब देखो भाई, मैं एक दुकान पर था, है ना। अब मैंने क्या किया, अब देखो, अब दुकान की जगह मैं क्या बोलूंगा, शॉप की जगह मैं बोलूंगा फेजेस। तो लेट्स से कि ये सॉलिड है, ठीक है। अभी मैं सॉलिड में था, अभी सॉलिड में था तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब देखो मेरे पास पैसे हैं तो मैं पैसे देते जा रहा हूं और मुझे महंगे कपड़े मिलते जा रहे हैं, और पैसे क्या था, हीट एनर्जी, मतलब मैं हीट एनर्जी देते जा रहा हूं और मुझे महंगे कपड़े मिलते जा रहे हैं। कपड़े मतलब टेम्परेचर, है ना। तो मैंने हीट एनर्जी दी, मुझे महंगे कपड़े मिले, यानी कि मुझे मेरा टेम्परेचर बढ़ता गया। अब एक पॉइंट ऐसा है कि भाई इस दुकान वाले ने बोल दिया कि मैं इससे ज्यादा महंगे कपड़े नहीं रखता, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑब्वियसली दूसरी दुकान जाना पड़ेगा। तो जब मैं दूसरी दुकान जाऊंगा तो ये क्या हो गया, ये फेज चेंज हो गया। मतलब ये हमारा मान लो सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड में जाने वाला रास्ता हो गया। तो जब हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम वही कपड़े पहन के जाएंगे जो हमने यहां से लास्ट पहने थे, 100 रुपए वाले। मतलब कि हमारा टेम्परेचर वही कांस्टेंट रहेगा, पर जो हमारे पास पैसे हैं यानी कि हीट एनर्जी है, वो अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है। मतलब मैंने जो टी शर्ट पहन रखा है वो चेंज नहीं होगा, रास्ते में थोड़ी टी शर्ट चेंज होगा। वो किस चीज में लग रहा है, वो ऑटो वाले को देने में लग रहा है। ऑटो वाले को मतलब कि यहां से यहां जाने में, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनने में जो तोड़ना पड़ रहा है हमको, अब उसमें लग रहा है। आई बात अब समझ में, अब आया एग्जाम्पल समझ में, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे करके महंगे कपड़े पहनते जा रहा हूँ, धीरे धीरे करके महंगे कपड़े पहनते जा रहा हूँ, और एक टाइम जब ऐसा आया जब ये इससे महंगे कपड़े हैं नहीं तो मुझे दूसरी दुकान जाना पड़ेगा। अब दूसरी दुकान जाऊंगा तो बीच रास्ते में तो मैं अपने कपड़े चेंज नहीं कर सकता, है ना। तो मतलब बीच रास्ते में तो अपने टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकता मैं, है ना। क्यों, क्योंकि जो मेरी हीट एनर्जी यानी कि जो मेरे पैसे हैं वो किस चीज में यूटिलाइज होंगे, चेंज करने में, यहां से यहां जाने में, ठीक है। ऑलराइट, तो अब तुम जब एक बार इसको रीड करोगे ना इनसाइड में तुमको समझ में आ जाएगा। अब एक ग्राफ थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा तुमको अगर नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, बढ़कर समझ जाता तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये क्या है, नीचे वाली जो लाइन है ये शो कर रही हीट एडेड, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आ रहे ग्राफ में इस साइड राइट साइड, इसका मतलब है कि हीट बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते आ रहे इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये हीट, ये टेम्परेचर, मतलब कि हीट बढ़ रही है, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। और जब कोई ऐसा है मतलब कि हीट और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे जा रहा है ना। अब देखो, अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैं हीट बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि ये सॉलिड है, अब देखो तुम चलो यहाँ से स्टार्ट करना, स्टार्ट करो, ठीक है। अब सॉलिड है, अब क्या हो, धीरे धीरे ये हीट में देते जा रहा हूँ इसमें, तो क्या हुआ, धीरे धीरे हीट बढ़ती जा रही है ना, और धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। ये देखो यहाँ पर ये टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है और हीट भी बढ़ती जा रही है, इसके अगर मैं हिसाब से देखूँ तो ये ऐसा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब एक पॉइंट आया जहाँ पर मैं हीट तो देते जा रहा हूँ बट टेम्परेचर वही का वही है, टेम्परेचर यही है। देखो पूरे रास्ते टेम्परेचर यही है, कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है ना। तो हीट तो मिलती जा रही है पर ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो है ये फेज चेंज वाला टाइम है। मतलब यहां पर हीट तो जा रही है बट यहां पर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। फिर एक बार क्या हुआ, हम यहां पहुंच गए, ठीक है, मतलब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब यहां से क्या होगा, ये जो हीट हुई, ये जो हीट थी, ये जो हिडन हीट थी, क्योंकि इसमें देखो सारी हीट, इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पर ये वाली हीट में और ये वाली हीट में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। मतलब ये हिडन है, मतलब कि ये लेटेंट हीट है, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट थी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की, अभी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, ये धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है वापस, मैं जैसे जैसे हीट देता रहा हूं मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ता रहा, मतलब ये लिक्विड से गैस में जा रहा है, फिर एक गर्म होते जा रहा है। फिर एक पॉइंट यहां पर ऐसा आया कि अब यहां से इसको गैस में कन्वर्ट होना है, ठीक है। अभी तक तो ये लिक्विड ही गर्म होता था, ठीक है, गैस पर रखते से ही कभी भी पानी बॉयल नहीं होने लग जाता ना, धीरे धीरे टाइम लगता है उसको गर्म होने में। तो ये गर्म होते जा रहे, गर्म होते जा रहे, फिर एक पॉइंट आ गया जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब यहां पर क्या होगा, ये इससे कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अगेन जगह थी, ये कौन सी जगह थी, फेज चेंज वाली, तो यहां पर अगेन जो हीट है वो टेम्परेचर में कन्वर्ट नहीं होगी। देखो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाकी यहाँ पर पूरे रास्ते देखो टेम्परेचर इंक्रीज होते आ रहा था, पर यहाँ पर ये इस पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। फिर अगेन जब ये गैस बन गया तो गैस से अगेन ये आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट का कंसेप्ट है। तो लेटेंट हीट क्या है, अब देखो डेफिनेशन देख लेते, अभी तक हमने समझ लिया पूरे अच्छे तरीके से क्या होता है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन हीट सप्लाई टू द सब्सटेंस डज नॉट इंक्रीज टेम्परेचर, इंस्टेड दिस हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यूरिंग फेज चेंज। मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाने की नौबत आ चुकी होती है, ठीक है। मतलब जब 100 रुपए का कपड़े हो चुके होते हैं और अब इसके पास में इससे महंगे कपड़े नहीं है, अब हमको और महंगे लेने जाना है, ठीक है। दैट्स व्हाई द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस डजंट चेंज। एक बार तुम रीड कर लेना अपनी एनसीईआरटी प्लीज, तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और तुम बिल्कुल दक्ष हो जाओगे इस चैप्टर में, ठीक है। सिंस दिस हीट डजंट इंक्रीज टेम्परेचर, इट इज हिडन, है ना। मतलब थर्मोमीटर पर तो दिख नहीं रही हमको, तो हीट गई कहां, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, क्योंकि हिडन है, ठीक है। ऑल राइट, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन हमको पता है क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में जाना, तो जब सॉलिड से लिक्विड वाला फेज चेंज हो रहा होता है तो हम उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि ये देखो इस ग्राफ के अंदर ये वाली जो थी, इसको हम बोलने क्या बोला, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है फेज। फिर जब लिक्विड से गैस में होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। तो डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो ये एक डेफिनेशन है उसका, अभी तक तो हमने समझ लिया लॉजिकली। अभी अगर इसे मैं डेफिनेशन बोलूं थ्योरेटिकली, तो ये ऐसा होगा कि 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी लगी,
ठीक है। वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा कि एक किलो लिक्विड को, अब तुम बोलोगे भैया पानी को तुम लिक्विड में कैसे मेजर कर, लिक्विड को किलो में कैसे मेजर कर रहे हो, तो लीटर में होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कर सकते हैं ठीक है। अगर भाई मैं वेट करूंगा तो पानी का वेट होगा ना, मैं दूध की थैली को अगर तराजू के ऊपर रख दूंगा तो वेट तो आएगा ना उसका, ठीक है। तो एक किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में कितनी एनर्जी लगी, उसको मैं बोलूंगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब ये देखो बेसिक टेम्परेचर स्केल्स है, ये चीज ये तो तुमको याद कर लेनी है, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को डिग्री, देखो तीन डिग्रीज होते हैं मेनली, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन नहीं होता है, आई एम रियली सॉरी, ये यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई है, कभी भी डिग्री केल्विन नहीं होता, इट्स जस्ट केल्विन, ठीक है, इट्स जस्ट केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, ये तीन मेन यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जो हमको यूज करने होते हैं। तो लेट्स से तुमको डिग्री सेल्सियस में कुछ दिया है और तुमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, ठीक है, जो भी तुमको टेम्परेचर इन केल्विन निकालना, लेट्स से तुमको बोल दिया कि भाई 55 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी कि 55 प्लस 273, तो बस सिंपली इसमें 273 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 8, ये हो जाएगा 7 प्लस 5 12 और हो जाएगा 3, यानी कि 328 केल्विन, 328K, ऐसा लिखना है बस सिंपल, ठीक है। फिर अब लेट से, अब ये तो तुम इन, तो मतलब इन दोनों का आपस में कन्वर्जन बहुत इजी है। अगर मुझे डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है तो उसका एक फॉर्मूला है, वो है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। लेट से मुझे बोल दिया कि भैया 50 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताओ, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है भाई डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इनटू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस क्या थे यहां पे 50 प्लस 32, तो क्या हो जाएगा 5 से 50 कैंसिल, यानी कि 10, ये हो जाएगा 9 × 10 = 90 प्लस 32, ये हो गया इज इक्वल्स टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, 122 ये है ना, 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 प्लस 2 हो गया 122, तो ये हो गया सिंपल। तो बस इस चैप्टर में मेनली हमारे पास में इतना ही है, क्या क्या मेन कंसेप्ट है, लेटेंट हीट वाला एक कंसेप्ट है जो कि याद रखना है, इवेपोरेशन वाला है, ठीक है, बाकी सॉलिड लिक्विड गैस के जो तीनों नाम है वो याद रखने हैं, ठीक है, फिर इनके कुछ एग्जांपल्स याद कर लेना कि भाई सब मेनली देखो सॉलिड लिक्विड को तुम बता सकते हो कि भाई हर चीज, मतलब ऑलमोस्ट हर सॉलिड को तुम लिक्विड में कर सकते हो, लिक्विड गैस में कर सकते हो, बट एक चीज का ध्यान रखना कि सॉलिड से गैस वाला जो है इसमें तुम कुछ एग्जांपल्स याद कर लेना, एक कैम्फर हो जाएगा, और एग्जांपल्स तुम्हारे आंसर में दिया, एक एग्जांपल तुम नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है, ताकि तुम सब लोग कमेंट में भी देख पाओ, ठीक है। तो यार बस इतना ही है इस चैप्टर में, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन, आई होप यू गाइस रियली एंजॉयड द सेशन, बहुत ही क्विक सेशन था, बहुत ही मजा आया इसके अंदर। मेक श्योर कि तुम इस सेशन को एंड करने से पहले वीडियो को पॉज करके इन दोनों क्लासेस में एनरोल कर लो, टोटली फ्री है और ये लाइव होने वाली है, और मतलब लाइव में कितना मजा आएगा, क्योंकि लाइव में तुम चैट भी कर पाओगे, तुम चैट भेज पाओगे अपनी, लाइक कर पाओगे, पोल्स दे पाओगे, मतलब मैं यहाँ पर क्वेश्चन का एक पोल दूंगा और तुमको वहीं पर नीचे ऑप्शन आ जाएगा, तुमको वहीं पर आंसर देना, बहुत इंटरेक्टिव होने वाला सेशन, तो मेक श्योर कि तुम इस सेशन में एनरोल कर लो। अभी के लिए इतना ही, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।